वेलकम टू ईपीएस एकेडमी। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज क्विज, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। दोस्तों, आफ्टर 10th या 12th यदि आप भी आईटीआई कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने कैरियर को एक नई उड़ान देना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आइए सीखते हैं आप आईटीआई में एडमिशन किस तरह से और ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं 10 मिनट में कंप्लीट आईटीआई रजिस्ट्रेशन। आप लोग सही देख पा रहे हैं, सिर्फ 10 और 10 मिनट में आप आईटीआई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चेंज द वे ऑफ लर्निंग, अपनी लर्निंग को क्या करिए, चेंज करना है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है, इसीलिए आप डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साइट्स में जाइए। वहां पे आपको iti.mponline.gov.in सर्च करना है और आप डायरेक्ट साइट्स पे पहुंच जाएंगे और रजिस्ट्रेशन आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, गूगल क्रोम में आपने डाला iti.mponline.gov.in पोर्टल, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही गवर्नमेंट की साइट्स खुल जाएगी। ये देखिए, आप लोगों के सामने साइट्स खुल गई है। अब इस साइट्स में आपको चूज करना है आईटीआई काउंसलिंग। आईटीआई काउंसलिंग के बाद आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे CTS आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पे सारे प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, भुगतान न किए गए रजिस्ट्रेशन का भुगतान करना, प्रवेश शुल्क, अगर आप दूसरी बार प्रिंट आउट लेना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन की वो भी प्राप्त करते हैं, आपको अगर पासवर्ड भूल गया है वो भी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन में जाके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपसे कुछ जानकारी पूछेगा, जैसे आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने मध्य प्रदेश से 10वीं किया है या नहीं किया है, तो यहाँ आपको हाँ या ना में जवाब देना है। यदि आपने किया है तो हाँ करेंगे, यदि नहीं किया है तो ना करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ हाँ करने जा रहे हैं और जैसे ही हाँ करेंगे तो आपको ये फोल्डर खुल के आएगा और यहाँ से आपकी जानकारी मांगेगा, आपने 10वीं किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है। तो आइए एक फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं। जैसे एक बच्चे ने 2013 में एडमिशन लिया था 10वीं में, अब 10वीं का रोल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। रोल नंबर डालने के बाद इसको क्लिक डिटेल्स पे करेंगे। अब जैसे देखिए, जैसे ही आपने रोल नंबर डाला, रोल नंबर डालते ही उस बच्चे का नाम, पिताजी का नाम, उसने डेट ऑफ बर्थ क्या है, माताजी का क्या नाम है, प्राप्तांक और कितना प्रतिशत है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देगा। इसी प्रकार से कोई भी बच्चा अगर आप अपना यहाँ पे डिटेल डालेगा वो सारी यहाँ पे दिखने लगेगी। अब इसके बाद वेरीफाइड डिटेल करना है, अपना नाम वगैरह सब पढ़ के और आगे प्रोसेस को बढ़ाना है। अब देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे आगे क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ चीजें डालना पड़ेगा। जैसे आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट कॉस्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अगर है तो हाँ करिए, नहीं है तो ना करिए। हाँ करेंगे, यहाँ पे इस बच्चे का है और जैसे ही हाँ करेंगे तो यहाँ पे वो पंजीयन नंबर मांगेगा। अब पंजीयन नंबर इसका डाल देते हैं। दोस्तों, पंजीयन नंबर आपके कॉस्ट सर्टिफिकेट में आपके तहसील से बनता है, वहां से आपको मिल जाएगा, आप वहां से बनवा सकते हैं। तो आइए इसका डाल देते हैं।
चलिए क्लियर समझ में नहीं आ रहा इसलिए इसको नो कर देंगे। इसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पे हिंदी से डालना है, आवेदक का क्या नाम है तो इसको हिंदी से डाल देंगे। फिर इसके बाद पिताजी का नाम डाल देंगे। फिर इसके बाद इसी प्रकार माताजी का नाम डाल देंगे। इसके बाद चूज करेंगे पुरुष क्या है, श्रेणी कौन सी आती है, इसके बाद धर्म कौन सा है, जम्मू कश्मीर से है नहीं है, इसी प्रकार आईटीएम प्रवेश चाहते हैं हाँ। यदि आप आईटीएम प्रवेश नहीं चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में चाहते हैं तो आप उसके लिए ना करें। पुलिस आईटीएम प्रवेश चाहते हैं नहीं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं हाँ। यदि आप ना हो तो नहीं करें। आप जिस जिले में रहते हो उस जिले का नाम यहाँ पे डालें। परिवार की वार्षिक आय यहाँ से फुल कर दें। छात्रावास में नहीं रहना चाहते हैं नहीं, डुअल सिस्टम नहीं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है तो जिला आप चूज करेंगे सीधी। इसके बाद तहसील पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद इस खाता सेम कर देंगे। फिर यहां बच्चे का मोबाइल नंबर डाल देंगे। बच्चे का मोबाइल नंबर डालने के बाद
अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है उसे भी डालें। ठीक है, इसके बाद बच्चे का क्या डालना है, आपको ईमेल डालना है। क्योंकि बच्चे का ईमेल जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे घोषणा में क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं प्रमाणित करता हूँ जो आपने डिटेल डाली है वो आपके द्वारा सही भरी गई है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। आप यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। इसके बाद एक बार आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए, आपने जो डिटेल डाली है वो पूरी सही है या नहीं है। आप समग्र आईडी अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ से डाल सकते हैं, समग्र आईडी नंबर्स, और यदि नहीं है तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी फिल कर सकते हैं। समग्र आईडी में परिवार आईडी यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। इसके बाद आप इसको सबमिट कर दें। ये देखिए, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से आपकी पूरी डिटेल्स आ गई है, आपने जो जो डिटेल्स डाली है। अभी यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है, और यहाँ पे क्या अपलोड करना है, आपके साइन अपलोड करना है। अब जैसे यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल में जाएंगे, इसके बाद आपने फोटो कहाँ रखी है वो इसमें आप क्या कर लें, आप सेलेक्ट कर लें, बच्चे का फोटो डाल दें। इसी प्रकार बच्चे का साइन डाल दें। दोनों डालने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दें। ये देखिए, इस तरह से बच्चे का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है, फोटो यहाँ से आ गई है, सिग्नेचर आ गया है। अब यहाँ से आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के गेटवे दिखाई देंगे। आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, IMS से करना चाहते हैं, UPI से करना चाहते हैं, या वॉलेट से करना चाहते हैं, तो आप UPI से करें या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। चलिए मैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड क्लिक करता हूँ। जैसे ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे आ जाएंगे। इसके अलावा UPI से क्लिक करने पर पेमेंट थ्रो UPI पेमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेबिट या क्रेडिट कार्ड, दोस्तों पेटीएम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां से जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो आपका इसमें पेमेंट हो जाएगा और आप उसका प्रिंट ले लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको सारी ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप अपना ITI में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने आप को एक नई दिशा, नई पहचान और दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह से और भी बहुत सारी वीडियोस और ITI कोर्सेज के लिए आप Google Play Store में जाइए और EPS Academy ऐप अभी डाउनलोड कीजिए।
वहां से आपको आईटीआई में चलने वाले ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक डीजल, मोटर मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, जितने भी सारे ट्रेड है वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपनी लर्निंग को वहां से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो देर मत कीजिए दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस EPS Academy YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, और कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक पे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।